आटे बंद करे सुना अर्जम लाइक सिंगल लो पूरा मंदिर है वो पीछे आपको मंदिर दिख रहा है वो चौपाल से रास्ता दिख रहा है। दो रास्ते होते हैं, एक तो नौधार वाला, एक चौपाल वाला। तो अभी वाला पड़ाव पूरा कर लिया था, अब सीधा मंदिर को ही जा रहे हैं। बाकी तो आगे साथी भी मिल गए थे, हर हर महादेव। तो ये चारों लोकल ही हैं, हर हर महादेव। तो अभी यहाँ पे लास्ट पड़ाव था, वहीं पर ही मिल गए थे। तो कहाँ से हैं आप लोग बताइए? अच्छा, तो मज़ा आ रहा है? हाँ, मेरा तो एक्सपीरियंस बढ़िया है, मज़ा आ गया। और आप बताइए? मैं हरियाणा से। और कैसा रहा? बढ़िया ट्रिप? बढ़िया, सही है। आगे जो जा रहे हैं आपके साथ ही? मेरे साथ हैं। चलो सही है, बढ़िया है। चैनल है कौन सा आपका? हाँ, मेरा मोहित पंत ब्लॉग्स के नाम से, मोहित पंत MOHIT PANT ब्लॉग्स, मोहित पंत, पंत ब्लॉग्स। ठीक है, तो अब यहाँ से सीधा मंदिर की तरफ ही जा रहे हैं। तो बता रहे थे यहाँ से 2 घंटा लग जाएगा, मतलब वो आपके ऊपर है, डिपेंड करता है आप कैसे किस स्पीड से जा रहे हो। और भी वैसे हाँ जी, हाँ यहाँ पे फर्स्ट टाइम है, बढ़िया है, मज़ा आ गया यहाँ पे तो। और अभी आप वेदर देख सकते हैं, पूरा बादल लग गए हैं, कोहरा ही कोहरा है। तो आगे विजिबिलिटी भी जो है वो पूरी ज़ीरो हो रही है, सही है। तो अभी मिलते हैं सीधा ऊपर ही। वो अभी थोड़ा सा ऊपर आए थे तो अभी मुलाकात हो गई। ये आप ये तीनों हरियाणा से हैं, तो आप बताइए अपने बारे में। अच्छा, नारायणगढ़ी से। और एक्सपीरियंस बताइए कैसा रहा अभी तक? अभी तो बहुत फर्स्ट टाइम, बहुत बढ़िया। अच्छा, सही, इतना आस भी नहीं है कि चढ़ जाएंगे, लेकिन हो गया। ये भगवान की कृपा है, भोलेनाथ की कृपा है, सही है, सही है। और आपका एक्सपीरियंस बढ़िया? हमें आदत भी नहीं थी वैसे देखा जा, क्योंकि हरियाणा में तो वैसे भी 1 किलोमीटर जाना तो बाइक पे जाना ये तो है, कहीं भी जाना नहीं है। लेकिन सही, एक नया एक्सपीरियंस हो गया ना। चलो ये तो बढ़िया है, सही बहुत। भोलेनाथ, हर हर महादेव। एक वेदर देखो, वेदर बहुत बढ़िया हो रखा है। तो अभी मिल गए थे साथ में, थैंक यू भैया। तो चलते हैं फिर, अभी ऊपर ही मंदिर ही पहुँचते हैं। तो खड़ा जाओ सर। तो अभी आपको दिख रहा होगा ऊपर भगवान शिव जी की प्रतिमा दिख रही होगी, हमें वहीं जाना है। मतलब अभी नहीं जाना, अभी तो हमें खैर मंदिर तक जाना है, फिर हम कल सवेरे जाएंगे वहाँ पे, जहाँ पे आपको दिख रही होगी अभी। अभी खैर इसमें अभी क्लियर नहीं दिख रही होगी, लेकिन यहाँ से मुझे यहाँ से क्लियर दिख रही है प्रतिमा। तो मेन जो है हमारा, वहीं पर ही हमको पहुँचना है कल सवेरे भगवान शिव के दर्शन करने। तो वो अब कल सवेरे ही होगा। और क्या व्यूज़ है देखिए, यहाँ से पूरे बादल लगे हुए हैं, व्यूज़ अभी दिख नहीं पा रहे, लेकिन जो आप चट्टान देख रहे हैं, रॉक्स देख रहे हैं, बिल्कुल ख़तरनाक वाले रॉक्स हैं, सही में मज़ा आ गया। और काफ़ी इन्जॉय हो रहा है इस टाइम पे तो। अभी हम यहाँ देख रहे हैं, आप गुफा क्रॉस करते हुए जा रहे हैं, कितनी बड़ी विशाल ये गुफा है। तो इसको क्रॉस करते हुए हम निकलेंगे उस साइड, और ज़मीन देखेंगे पूरी गीली है बारिश की वजह से, पूरा वेट है। तो बड़ी देख संभाल के जाना पड़ रहा है, क्योंकि नीचे खाई है। देख रहे होंगे पूरा गीला नीचे, और ये पार कर लिया हमने गुफा। सामने धूप निकली हुई है, और ये थी वो गुफा जो हमने अभी भी पार करी है। अभी जाना है हमारे को ऊपर टॉप में, मिलते हैं। तो अभी यहाँ से देखिए पूरी ढलान आ गई है नीचे, तो चढ़ाई आ रही है कभी, फिर कभी ऐसे ढलान जा रही है, तो थोड़ा दिक्कत हो जा रही है ऐसे चलने में ना। या तो चढ़ाई आए तो चलते रहो, फिर एकदम से ढलाना जा रही है। और अभी हम पहुँचने वाले हैं, आधा घंटा और लगेगा, आधा घंटा या 20 मिनट हम पहुँच जाएंगे शिरगुल महाराज जी के मंदिर, जिन्हें चुड़ेश्वर महाराज जी भी कहते हैं। और लोकल लोगों की मान्यता है यहाँ पे, आपका सिरमौर जिला हो गया, चौपाल हो गया, यहाँ के लोग देवता के रूप में पूजते हैं चुड़ेश्वर महाराज जी को, उन्हीं का मंदिर ऊपर। और लोग मानते हैं कि प्राचीन काल में चुड़ेश्वर महाराज जी यहीं पर ही रहा करते थे,
तो ऐसी कुछ मान्यता है, वो बहुत अच्छा मंदिर है। तो आज का स्टे हमारा मंदिर में ही होने वाला है। देखें वो चढ़ाई करके आ रहे हैं अभी हम ऐसे ऐसे, तो ऐसी ख़तरनाक चढ़ाई आ रही है, फिर ऊपर जा रहे हैं फिर नीचे जा रहे हैं, ऐसी हो रहा है। तो मिलते हैं आपसे, अभी बैटरी भी इसकी थोड़ी कमी हो रही है। वो आपको दिख रहा होगा श्रद्धालु लोग जा रहे हैं, दिख रहा होगा आपको। बस हमें वहीं टॉप में जाना है, थोड़ा सा और है। और ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये मोस्टली यहाँ पे लोकल लोग ज़्यादा हैं। ये जो जा रहे हैं ऊपर ही सब मंदिर में रुकेंगे, तो मंदिर में काफ़ी बड़ी व्यवस्था की जाती है रुकने की। कम से कम बता रहे थे 3-4 हज़ार लोगों की रुकने की व्यवस्था हो जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। तो बस पहुँचने वाले हैं हम ऊपर ही, आज का हमारा विश्राम ऊपर ही रहेगा फिर। तो फाइनली हम शिरगुल महाराज जी के मंदिर पहुँचने वाले हैं। आपको दिख रहा होगा क्या सुंदर नज़ारा है, ये पूरा आपको दिख रहा होगा, पूरा मंदिर है। वो पीछे आपको मंदिर दिख रहा होगा और ये पूरी बाउंड्री आपको दिख रही होगी मंदिर की। तो ये चूड़ेश्वर महाराज जी का मंदिर है जहाँ हमें आज जाना है। आज हाथ जोड़ेंगे, उसके बाद आज हमारा स्टे यहीं पर ही रहेगा, यहीं पर ही धर्मशाला भी है। और वो जो आपको रास्ता दिख रहा है वो चौपाल से रास्ता दिख रहा है। दो रास्ते होते हैं, एक तो नौधार वाला, एक चौपाल वाला। चौपाल के रास्ते से जो है वो 7 किलोमीटर की ट्रैकिंग होती है, और यहाँ से जो होती है अराउंड 20 किलोमीटर्स की 20 किलोमीटर की ट्रैकिंग होती है। तो वहाँ से भी आपको लोग आते हुए दिख रहे होंगे, चौपाल से भी आ रहे हैं, और हम आ रहे हैं पीछे से यानी नौराधार से। बस मिलते हैं आपसे नीचे ही। क्योंकि मंदिर पहुँचते हमारे को रात हो गई थी और काफ़ी अंधेरा भी हो गया था, और गोप्रो को चार्ज करने का मुझे टाइम भी नहीं मिला, तो अगली सवेरे मैं नहा धो के शिरगुल महाराज जी के दर्शन करने पहुँच गया। मंदिर की स्थापना के बारे में कहा जाता है कि जब हिमालय पर आदि शंकराचार्य प्रवास पर आए थे, तब उन्होंने चूड़धार पर्वत पर एक शिवलिंग की स्थापना की थी, तभी से इस मंदिर का प्रचलन जारी है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने चूड़ू नामक भक्त व उनके बेटे की जान बचाई थी, इस घटना के आधार पर मंदिर का नाम चूड़धार पड़ गया। इस मंदिर का उल्लेख जॉन के द्वारा लिखित पुस्तक द ग्रेट आर्ट में भी मिलता है, जिसमें इसे द चूड़ कहा गया है। अभी मैंने श्री गुरु महाराज जी के दर्शन कर लिए थे मंदिर में जाके, अच्छे से भेंट वेट चढ़ा दी थी, और अब मैं जा रहा हूँ ऊपर जो भगवान शिव जी की जहाँ प्रतिमा है बहुत बड़ी, जो मेन जो फेमस है ऊपर टॉप में। यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर और है, और यहीं से रास्ता है। मैं अभी नीचे से आ रहा हूँ, और चारों तरफ अभी पूरा फॉग लगा हुआ है, पूरा बादल नीचे आ गया, पूरा फॉगी फॉगी, कुछ दिख भी नहीं रहा अच्छे से। अभी ऊपर ही जाना है मेरे को, और आज है तारीख 22 जून, और अभी सूर्य के बज गए हैं आपके 6:10। चलो मैं मिलता हूँ फिर आपसे ऊपर ही। Thank you.
तो अभी आपको रास्ते दिख रहे होंगे ऐसे हो गए बिल्कुल चट्टानों से होते हुए। तो अभी मैं सोते हुए जा रहा हूँ संभल संभल के, और बहुत श्रद्धालु हैं साथ में, ऐसा नहीं है कि मैं अकेला हूँ, बहुत श्रद्धालु हैं। अभी मेरे से आगे ही गए हैं, लेकिन ये कि संभल संभल के जाने वाला है, ये हल्की सी गलती हुई तो आपका पाँव वाँव मुड़ सकता है, क्योंकि चट्टानों को पार करते हुए जाना है। तो फाइनली भगवान शिव के यहाँ पे पहुँच गए हम। यहाँ पे भगवान शिव जी की बहुत बड़ी प्रतिमा है, तो मेन ये भी रहता है, जो लोग जो भक्तजन नीचे तक आते तो ऊपर भी जरूर जाते हैं, तो अभी ऊपर ही जाएंगे सीधा। और अभी काफ़ी श्रद्धालु आए हुए हैं, आपको दिख रहे होंगे लाइन से आ रहे हैं जा रहे हैं, दर्शन करके आ रहे हैं फिर जा रहे हैं, तो हमको भी ऊपर ही जाना है अभी। और अमेजिंग व्यू है और लोकेशन एक नंबर है, अभी धूप भी निकल गई आपको दिख रही होगी सामने, अच्छा हो गया मौसम, बहुत बढ़िया वेदर और ठंडा ठंडा भी हो रहा है, और मतलब मिक्स है वेदर, बादल भी लगे हुए हैं, तो बस चलते हैं फिर ऊपर ही। तो फाइनली पहुंच गए पहाड़ पे चल 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 चल